दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पाथ पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम गूगल मीट की कुछ और बातों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप कैसे अपनी जो है मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप पर गूगल मीट की आईडी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, तो ये सब बातें थी लास्ट वीडियो की। अगर आपको लास्ट वीडियो चेक करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके, टाइटल में देख ही चुके होंगे कि आप अपने मोबाइल में कैसे रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड, जैसा कि हमने किया था लैपटॉप में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब आपका मन करे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेना है, जाहिर सी बात अपने मोबाइल में करने वाले तो मोबाइल तो हम लेंगे ही। अब अपना मोबाइल लेना है और उसके बाद आपको ओपन करना है क्रोम। जी हाँ, आपको क्रोम में जाना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप साइट। जब आप क्रोम में जाएंगे तो आपको डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अब आपको सर्च बार में जाना है। क्या आपने सर्च किया मीट? नहीं, मीट नहीं सर्च करना है हमें, बल्कि हमें वहां पर सर्च करना है। सर्च नहीं करेंगे बल्कि एक प्रकार से हम करें वहां पे हमें URL टाइप करेंगे और URL किस चीज का होगा? वो URL होगा meet.google.com। अगर आप मीट सर्च करके सोचते हैं कि हम पहला URL ओपन कर ले तो गूगल आपको वापस कर देगा। हमें सबसे पहले ओपन करना है ये URL meet.google.com। उसके बाद आपको अगर मीटिंग ज्वाइन करनी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको खुद क्रिएट करनी है तो आप सिंपली न्यू मीटिंग पे करके क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हो गई मीटिंग के ज्वाइन करने और मीटिंग क्रिएट करने के बाद, वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हमको जाना है, जब मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जाना है बैकग्राउंड्स पे, यानी कि पहले हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके लिए 3 डॉट्स नीचे बने होंगे, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज बैकग्राउंड। जब आप चेंज बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमें लैपटॉप्स में मिले थे। तो आप सिंपली वहां पे जो बैकग्राउंड आपको चाहिए वो चेक कर सकते हैं। और ये चीज जो है मोबाइल्स के लिए, ये लैपटॉप से अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि मोबाइल में जो होता है अच्छा कैमरा होता है, इस वजह से अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव भी कर पाएगा। और अगर हम बात करें तो आप इसमें बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड आपके मोबाइल में है, आप चाहते हैं वो बैकग्राउंड लगाए, तो आप सिंपली एड बटन पे क्लिक करके वो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।